नमस्कार, सीएमएन पर आप देख रहे हैं न्यूज एट द रेट 6। सबसे पहले बात करते हैं यूपी के हसनपुर की, जहां पर दो घायलों को पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार चल रहा है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। ये आरटीए का केस है और इसमें जो है वो दोनों पेशेंट की जो है, जो कमल सिंह पेशेंट है उसका लेफ्ट हैंड में फ्रैक्चर है और 3 फ्रैक्चर है, कंपाउंड फ्रैक्चर बोलते हैं उसे, तो हमने उसको फर्स्ट एड दे के और आगे रेफर किया है। दूसरा पेशेंट शिवम है, तो शिवम के जो है वो राइट लेग में फ्रैक्चर की हमें पॉसिबिलिटी लग रही है, तो हमने उसे भी फर्स्ट एड दे के जहांगीर सेंटर रेफर कर दिया है। और ये दोनों पेशेंट जो है 100 टाइल जो है वो लेकर आए थे। हरियाणा के डीजीपी बीएस संधू पुलिस महकमे में 34 साल सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। डीजीपी बीएस संधू ने कहा कि कुछ पुलिसकर्मी वर्दी को पहनने में गुरेज करते हैं। पुलिस थाने का काम काफी मुश्किलों भरा होता है, पुलिसकर्मी काम से बचना चाहते हैं, इसलिए पुलिसकर्मी विजिलेंस बिजली बोर्ड एक्साइज डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं ताकि उनको वर्दी ना पहननी पड़े। पुलिस की वर्दी कड़े परिश्रम के बाद मिलती है, इसलिए ऐसा कोई काम ना करे जिससे वर्दी का अपमान हो। बीएस संधू ने अपने जीवन के अनुभवों को पुलिसकर्मियों के साथ साझा किया और कई नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि पुलिस सेवा सुरक्षा सहयोग के तहत काम करे। बीएस संधू ने कहा कि हरियाणा पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रयासरत है, महिलाओं के लिए स्पेशल थाने बनाए गए हैं और रैपिड एक्शन फोर्स भी तैयार की गई है। पुलिस अकेली इस मामले में कुछ नहीं कर सकती, इसके लिए समाज के लोगों को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। कानून में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मन से काम करने की जरूरत है। पुलिस को पब्लिक फ्रेंडली होने की जरूरत है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन श्रीमान शुरू किया गया था, जिसके तहत पुलिस थाने में आने वाले लोगों से अदब से बात करना था। 2 साल के अतिरिक्त कार्यकाल की अवधि के सवाल पर उन्होंने बताया कि 30 सितंबर 2018 तक उनका कार्यकाल था। हरियाणा सरकार की तरफ से 2 महीने और 1 महीना माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अतिरिक्त मिला है, जिससे वे बहुत संतुष्ट हैं। ऐसा है कि पुलिस में पिछले 34 साल में काफ़ी बदलाव आया है और बदलाव की संभावनाएं हैं, जिसको हम अक्सर इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं और मैं खुश हूँ कि बेहतर पुलिस फोर्स हरियाणा की है और उसको हेड करने का मुझे मौका मिला है। ऐसा है कि पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है किसी भी क्राइम को, जो महिलाओं के खासतौर होता है, बच्चों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, लेकिन समाज में थोड़े से सुधार की जरूरत है और हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है। हमने बहुत सारी महिलाओं के सुरक्षा के लिए थाने बनाए, हमने रैपिड एक्शन फोर्स बनाई, हमने अलग से भर्ती भी उनकी की और आगे भी कर रहे हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब तक समाज में सुधार नहीं होगा, जब तक इस और ज़्यादा पुलिस अकेला इस समस्या से जूझ नहीं पाएगी। ऐसा है कि कानून बहुत सफिशिएंट है, कानून की कोई कमी नहीं, लेकिन सिर्फ दिल से काम करने की जरूरत है। तो आज मैंने अपने भाषण में भी ये कहा है कि पुलिस फ्रेंडली जो है, जब तक पब्लिक फ्रेंडली पुलिस नहीं होगी और जब तक मान सम्मान नहीं देगी, इज्जत नहीं करेगी, इसीलिए हमने ऑपरेशन श्रीमान भी शुरू किया था। तो ये हमने कोशिश रही है और कोशिश आगे भी जारी रहेगी। ये मैं जो है 30 सितंबर 2018 तक मेरा कार्यकाल था, 30 सितंबर तक। उसके बाद मैं बड़ा अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे 3 महीने जो है सरकार ने दिए और एक महीने का कार्यकाल जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिला। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत कंटेंटेड हूँ और मैं एक बिल्कुल आश्वस्त होकर और एक खुशी के साथ आज मैं यहाँ से मधुबन से विदाई कर रहा हूँ। पुलिस खाकी पहन देते हैं, पहनने का डरती है। पुलिस जो है दूसरे कुछ लोग, थोड़े से लोग जो हैं वो दूसरे ऐसे नॉन जो है पुलिस जॉब में जाना चाहती है, जैसे विजिलेंस डिपार्टमेंट है या बिजली बोर्ड है, अब एक्साइज डिपार्टमेंट एक नया शुरू है। तो जो 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 पुलिस की जो जो काम है, जो पुलिस थाने का काम है, उसमें डिफिकल्ट है। तो डिफिकल्ट काम से नेचुरली लोग थोड़ा बहुत रेज करने की कोशिश करते हैं। भारतीय मीडिया फाउंडेशन से सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूर्ण होने पर वाराणसी में स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें लगभग 200 पत्रकार बंधुओं को समाज में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया। मैं सायन क्वागिरी, चेयरमैन पूर्वी जोन उत्तर प्रदेश, भारतीय मीडिया फाउंडेशन की तरफ से आज
भारतीय मीडिया फाउंडेशन का दूसरा स्थापना दिवस बहुत हर्षोल्लास के साथ रंगारंग कार्यक्रम के साथ भाषण रंगारंग कार्यक्रम जिसमें गजल गीत सारा चीज प्रस्तुत किया गया, जो कि आज एक भारतीय मीडिया फाउंडेशन के लिए रिकॉर्ड बन गया है। ऐसा स्थापना दिवस शायद ही संस्था ने मनाया हो। कितने लोगों का आज सम्मानित किया गया है? आज लगभग आज आप लोगों ने देखा कि भारतीय मीडिया फाउंडेशन का तृतीय स्थापना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कि कलमकार और समाज सेवियों को विशेष रूप से जो है कि सम्मानित किया गया। हाँ, ये भारतीय मीडिया फाउंडेशन संगठन के संबंध में आप कुछ कहना चाहते हैं? भारतीय मीडिया फाउंडेशन निरंतर जो है कि पत्रकार हित में, सामाजिक हित में, सामाजिक कार्यकर्ताओं के हित में जो है कि निरंतर लगातार कार्य करता आ रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश ही नहीं 17 राज्यों में यह संगठन विस्तृत रूप से सुचारू रूप से चल रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ए के बिंदुसार जी जो है कि निरंतर 24 घंटे इसमें हम लोग तत्पर रहते हैं। मैं 27 जिले का प्रभारी हूँ, पूर्वी जोन हमको मिला है, जिसमें कि कई मैं बिंदुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मीडिया फाउंडेशन। यह आज की आज चित्रकूट कॉन्वेंट इंटरमीडिएट कॉलेज में भारतीय मीडिया फाउंडेशन की स्थापना का 2 वर्ष पूर्ण होने पर 26 जनवरी को 2 वर्ष पूर्ण हुआ है, उसके उपलक्ष्य में आज। और अब बात करते हैं हरियाणा के पंचकुला की, जहां पर गैंगरेप के मामले में एडिशनल सेशन जज नरेंद्र सूरा ने 3 आरोपियों को सजा सुनाई है। आपको बता दें कि साल 2016 में महिला थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज हुई थी, जिसके बाद आज मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 3 आरोपियों को धारा 376 के तहत 20-20 साल की सजा सुनाई है। ये सन 2016 की बात है। ये तीनों मुलजिम जो इस केस में हैं, लड़की को उठा के ले गए थे और 3 दिन तक इन्होंने इसको अपने पास रखा और इसके साथ तो इसका फैसला सुनाते हुए अदालत ने इनको तीनों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल की सजा सुनाई है और साथ में 50,000 रुपया जुर्माना किया है। जुर्माना ना भरने की सूरत में इनको 3-3 साल की सजा और ठीक है। तो फिलहाल News@6 में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CNN। तब तक के लिए नमस्कार।